So in today's class, what I have to discuss with you, I have to discuss with you the Lake Isle of Inisfree, a beautiful lyric of W.B. Yeats, William Butler Yeats, a well-known modern poet. So आज की क्लास में जो हमें बात करनी है W.B. Yeats को लेकर के बात करनी है. W.B. Yeats की एक पोयम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, और दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लिरिक. W.B. Yeats मॉडर्न एज के पोएट थे. जो W.B. Yeats थे, विलियम बटलर येट्स, वो मॉडर्न एज के पोएट थे. और जो मॉडर्न एज है वो 1901 से लेकर 1945 तक, एक ऐसा अप्रोक्सीमेट डेट उसका कहा जाता है कि जो मॉडर्न एज है वो 1901 ईस्वी से शुरू हुआ और 1945 ईस्वी तक चलता है. तो अब यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो हमें समझने की जरूरत है कि एक तो W.B. Yeats का जो बायोग्राफिकल स्टडी है उसको लेकर के बात करनी है. W.B. Yeats ने इस पोयम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में क्या बताया है उसको लेकर के हमें बात करनी है. तो शेयरिंग विद यू PDF फाइल, तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी. आई थिंक यू आर गेटिंग, इज इट विजिबल? मुझे उम्मीद है कि ये विजिबल है. यू कैन ड्रॉप मैसेज. यस सर. या ओके ओके, प्लीज म्यूट. सो हियर यू सी व्हाट आई हैव टेकन W.B. Yeats का जो उनका लाइफ है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे. सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभार इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है और शॉर्ट में लिखा जाता है W.B. Yeats. तो W का मतलब विलियम, B का मतलब बटलर और येट्स. तो इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, विलियम बटलर येट्स. और शॉर्ट में इनको क्या लिखा जाता है, शॉर्ट में इनको जो है W.B. Yeats, YEATS. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की वेन आई टॉक अबाउट W.B. Yeats, यू फाइंड कि ही वॉज बॉर्न इन 1865. W.B. Yeats, एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना कि विलियम बटलर येट्स जो है ही वॉज बॉर्न इन 1865 एंड डाइड इन 1939. तो 1865 में 1865 में इनका जन्म हुआ है, 1939 में इनकी मौत हुई है. और ये किस एज के पोएट थे, मॉडर्न एज के. ही वॉज अ पोएट ऑफ मॉडर्न एज, MODERN. जिस एज के पोएट थे, कौन से एज के, मॉडर्न एज के. जो मॉडर्न एज की डेट है वो 1901 से लेकर 1945 ईस्वी तक. कब से कब तक था, 1901 से लेकर 1945 तक. ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न एज 1901 से लेकर 1945 तक रहा है. तो कुछ इंफॉर्मेशन है कि आज की क्लास में हम W.B. Yeats को डिस्कस कर रहे हैं. W.B. Yeats का जन्म 1865 में हुआ, उनकी मौत 1939 ईस्वी में हुई थी. और मॉडर्न एज के पोएट है, मॉडर्न एज का जो पीरियड है 1901 से लेकर 1945 तक. विलियम बटलर येट्स वाज बॉर्न ऑन June 13. अगर कोई डेट पूछता कब पैदा हुए थे, 13 जून 1865 को पैदा हुए थे. ही वॉज एन आयरिश पोएट, और वो कैसे पोएट थे, आयरिश पोएट थे. तो आई एम टेलिंग यू हियर, विलियम बटलर येट्स वॉज बॉर्न ऑन June 13. 13 जून को पैदा हुए थे, 13 जून 1865. 13 जून 1865 को उनका जन्म हुआ था. विलियम बटलर येट्स वाज बॉर्न ऑन June 13, 1865. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट, ही वाज एन आयरिश पोएट. वो कैसे पोएट थे, आयरिश पोएट थे, आयरलैंड के पोएट थे. आयरिश मीन्स आयरलैंड, एक कंट्री है. और जो आयरलैंड है, एक समय जो है क्या था कि इंग्लैंड का हिस्सा था. आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तीन राष्ट्र मिलकर के उसी को यूके कहा जाता था, यूनाइटेड किंगडम. सो यू फाइंड हियर कि ही वाज एन आयरिश पोएट थे. वो ड्रामेटिस्ट भी थे एंड एसेइस्ट भी थे. हिज फादर नेम वाज J.B. Yeats. उनके जो पापा थे उनके फादर का नाम क्या था, J.B. Yeats, J.B. Yeats, YEATS. His father was a well-known painter. उनके जो फादर थे वो क्या रहे, पेंटर रहे. His mother name was Susan. उनकी जो माँ थी उसका, उनका नाम क्या था, सुजान था. तो माँ का क्या नाम था, सुजान, SUSAN. Here you see
डब्ल्यू बी येट्स आयरिश पोएट थे, आयरलैंड के पोएट थे, मॉडर्न एज के थे। डब्ल्यू बी येट्स का पूरा नाम विलियम बटलर येट्स, और उनके जो फादर थे वेल नोन पेंटर थे, फादर का नाम क्या है, जे बी येट्स, जे डॉट बी डॉट येट्स, वाई ई ए टी एस। मदर का क्या नाम था, सुजॉन था। हिज पेरेंट्स वर प्रोटेस्टेंट्स, हिज पेरेंट्स केम टू लंडन व्हेन डब्ल्यू बी येट्स वॉज ओनली अ चाइल्ड। उनके पेरेंट्स आयरलैंड से लंदन चले आए थे जब डब्ल्यू बी एट्स एक बच्चे थे, छोटे थे तभी। हिज अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस एट योडॉल्फिन स्कूल इन हैमर स्मिथ। उनका जो अर्ली एजुकेशन हुआ वो योडॉल्फिन स्कूल और हैमर स्मिथ में हुआ था। बट ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज ही यूज टू गो टू हिज मैटरनल ग्रांड फादर एट स्लिंगो आयरलैंड। कह रहे कि लेकिन वो अपने जो है मैटरनल ग्रांड फादर के पास जाते थे छुट्टियों में, और वो कहाँ पे था, उनका घर स्लिंजो आयरलैंड में था, यस एल आई एन जी ओ, स्लिंजो आयरलैंड। आफ्टर ही वाज सेंट फॉर हाई स्कूल इन डबलिन, उन्होंने जो हाई स्कूल डबलिन से किया, डबलिन किसकी राजधानी, आयरलैंड की राजधानी है। ही स्टडीड पेंटिंग फॉर 3 ईयर्स एट मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स इन डबलिन। उनका शुरुआती एजुकेशन पेंटिंग वगैरह में हुआ था। द ब्यूटी चार्मिंग पीस Folklore, F-O-L-K, Folklore, Supernatural Stories and Scenery of Country Slingo made it very emotional to the culture, values and tradition of Ireland. इस पैसेज में बताया गया कि जो स्लिंजो जो जगह थी जो उनके मैटरनल ग्रैंडफादर की थी, वहाँ की जो खूबसूरती थी, वहाँ का जो चार्मिंग अट्रैक्शन था, वहाँ की जो शांति थी, वहाँ का जो फॉकलॉर था, फॉकलॉर का मतलब होता है कि लोकल स्तर पर जो वहाँ की कहानियां हैं, जो वहाँ की कथाएं प्रचलित हैं, उसको फॉक कल्चर या फॉकलॉर कहा जाता है कि लोकल स्तर पर वहाँ की मिट्टी। सुपरनेचुरल स्टोरीज वहाँ की जो थी, इसने जो है क्या किया, डब्ल्यू बी एट्स को काफी इमोशनल बनाया वहाँ के कल्चर को लेकर, वहाँ के वैल्यूज और ट्रेडिशन को लेकर के। तो वो आयरलैंड का जो कल्चर था, आयरलैंड का जो ट्रेडिशन था, या आयरलैंड में जो एक पार्टिकुलर जगह जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जिसका नाम क्या है, स्लिंजो, जहाँ पे वो अपना बचपना समर हॉलीडेज व्यतीत किए थे, वहां से वो काफी मुतासिर हुए, काफी प्रभावित हुए। ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर एज वेल एज द फायर ऑफ नेशनलिज्म सिंस हिज चाइल्डहुड। ही बिगन टू राइट पोइट्री एट द एज ऑफ 16। On the one hand, he took great interest in nationalistic politics and on the other hand, got associated with Synge and Lady Gregory. ये भी चीज ध्यान में रखना है कि J.M. Synge करके एक ड्रामेटिस्ट थे और लेडी ग्रेगरी, ये दो लोग थी जो बहुत ज्यादा जो है उनकी जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो एक उनमें देशभक्ति भी थी, देशभक्ति के अलावा जो है वो आयरलैंड की कल्चर, आयरलैंड का ट्रेडिशन, आयरलैंड का जो वैल्यूज है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उनका इंटरेस्ट लिटरेचर में बहुत ज्यादा था और उनके अंदर फायर ऑफ नेशनलिज्म था, ये सारी चीजें देखी जा सकती है। इसके अलावा वो सिंज और लेडी ग्रेगरी के काफी काफी मुतासिर थे। हु वर वर्किंग फॉर द रिवाइवल ऑफ आयरिश ड्रामा एंड कल्चर। हिज फादर हैड फेमिलियरिटी विद एडवर्ड डाउडेन। उनके जो पिता थे वो एडवर्ड डाउडेन और टॉड हंटर के बहुत करीब थे। एडवर्ड डाउडन है, टॉड हंटर, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आपको ओवरऑल जो पूरा ये लेक्चर है, इनमें आपको ये ध्यान में रखना है कि डब्ल्यू बी एट्स का पूरा नाम विलियम बटलर येट्स है। डब्ल्यू बी एट्स 1865 में पैदा हुए थे, 1939 में उनकी मौत हुई है। उनके फादर का नाम क्या रहा है, जे बी येट्स था। माँ का नाम सुजान था, और वो किस वतन के पोएट और ड्रामेटिस्ट थे, आयरिश पोएट और आयरिश ड्रामेटिस्ट थे। और इसके अलावा आयरलैंड में एक जगह स्लिंजो थी जहाँ वो अपना बचपना व्यतीत करते थे, और बहुत ज्यादा जो है उस जगह से मुतासिर थे, वहाँ की कल्चर, वहाँ का ब्यूटी, वहाँ का फॉकलॉर, वहाँ का सुपर नेचुरल स्टोरीज, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो और लोग रोल प्ले करते हैं, सिंज है, ग्रेगरी है, ये सारे लोग उनकी लाइफ में रोल को प्ले करते हैं। इसके अलावा यू फाइंड कि ईट्स हिमसेल्फ फाउंडेड, हाँ एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि ईट्स हिमसेल्फ फाउंडेड द राइमर्स क्लब इन लंडन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
जो लंदन में उन्होंने क्या किया था कि राइमर्स क्लब उन्होंने फाउंड किया था। राइमर्स क्लब जो है एक तरह का एक ऐसा क्लब है जहां पे बहुत सारे लिटरेरी फिगर्स इकट्ठा होते थे, जो बड़े बड़े साहित्यकार थे वो सब लोग इकट्ठा होते थे और कंटेम्प्रेरी इशूज पर बातें करते थे। तो जो राइमर्स क्लब है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वहां पर उसको लेकर के बात की जा रही कि ईट्स हिमसेल्फ फाउंडेड द राइमर्स क्लब। ईट्स ने राइमर क्लब को जो है क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था कहाँ पे, लंदन में। ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ विलियम मॉन्स, डब्ल्यू ई हेनली, और वो जो है विलियम मॉन्स के दोस्त बन गए। ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ विलियम मॉन्स, विलियम मॉन्स के दोस्त बने, डब्ल्यू ई हेनली के बने, लाइनेल जॉनसन के बने और आर्थर सिमंस के बने। ये आपको उतना नहीं तैयार करना है, लेकिन राइमर्स क्लब आपको तैयार करना है कि राइमर्स क्लब जो है यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने राइमर्स क्लब को इस्टेब्लिश किया था और उनकी दोस्तों में विलियम मॉल्स है, डब्ल्यू ई हेनली, ऑल दिस थिंग्स यू सी। नाउ यू फाइंड कि देम इंस्पायर्ड हिम अ लॉट। इट्स वाज मस्ट इंस्पायर्ड बाय सीमंस एज अ पोएट। इट्स के ऊपर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव था, सीमंस का प्रभाव था एज अ पोएट। इन 1885 ही रिटर्न टू आयरलैंड एंड बिकेम एसोसिएटेड विद द आयरिश मूवमेंट। और वो 1885 में आयरलैंड वापस चले जाते हैं और आयरिश मूवमेंट से वो जो है क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। हिज लीडर वाज जॉन ओली, और आयरिश जो मूवमेंट था उसके जो लीडर थे जॉन ओली थे। ही गॉट हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम अ यंग वुमेन हुज नेम वाज मॉड गॉन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर ये आता है कि वो कौन सी औरत थी जिसने जो है डब्ल्यू बी एड्स को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, मुतासिर किया या उससे प्रभावित किया, तो मैडम मॉड गॉन। बाद में उनका वन साइड लव भी था उसके साथ जो है। तो यू सी दीज थिंग की मैडम मॉड गॉन केम इन द लाइफ ऑफ डब्ल्यू बी एड्स एंड इट वॉज वन साइडेड लव। मैडम मॉड गॉन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डब्ल्यू बी एड्स, बट डब्ल्यू बी एड्स वॉज इंटरेस्टेड इन मैडम मॉड गॉन। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड इन्फेचुएटेड ईट्स थ्रू हर ब्यूटी। ईट्स केप्ट हिमसेल्फ इंगेज इन द मूवमेंट ड्यूरिंग 1897 एंड 1898। मॉड गॉन मैरिड जॉन मैकब्राइड, लेकिन मॉड गॉन ने किससे शादी कर ली थी, मॉड गॉन मैरिड जॉन मैकब्राइड से शादी कर ली थी, हु वाज आल्सो अ रिवोल्यूशनरी पर्सन। दिस कॉज्ड ग्रेट शॉक टू ईट्स थॉट्स ऑफ गेटिंग मैरिड विद हर। ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स इन हिज पोयम। शी बिकेम द सिंबल एंड ही रिप्रेजेंटेड हर क्रूएल ब्यूटी इन मोस्ट ऑफ हिज पोयम्स। ईट्स स्टडीड उपनिषद, ईट्स ने उपनिषद की भी स्टडी किया हुआ था अंडर पुरोहित स्वामी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईट्स ने उपनिषद का अध्ययन किसके अंडर में किया था, ईट्स ने उपनिषद का अध्ययन पुरोहित स्वामी के अंडर में किया था। तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है कि ईट्स जो है आयरिश मूवमेंट से जुड़े थे और उस आयरिश मूवमेंट का जो लीडर था उसका नाम क्या था, ओ लेरी करके थे। दूसरा चीज, ईट्स की जिंदगी में मॉड गॉन नाम की औरत आई हुई थी जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और मॉड गॉन का से वो लव करते थे, बट इट वाज वन साइडेड लव। और बाद में मॉड गॉन की शादी मैकब्राइड से हो गई थी। ईट्स ने उपनिषद का अध्ययन किया पुरोहित स्वामी के अंडर में। नाउ दूसरा चीज है कि एंड सिंबोलिस्ट राइटर्स पुरोहित स्वामी एंड सिंबोलिस्ट राइटर्स लाइक मैलार्म एंड बॉडलेयर। ही आल्सो स्टडीड द पोएम्स He also studied the poems of great poets like Shakespeare, Donne, Spenser, Blake, Shelley, and some other Victorian. In 1916, revolutionaries were executed in which the husband of Maud Gonne was also included. This was just after the Easter Rising in 1916. Again, proposed Maud Gonne in 1917, but she denied that Yeats married to Hyde Less. Yeats की शादी जो हुई थी वो Hyde Less से हुई थी, H-Y-D, Hyde Less, L-E-S-S, a beautiful lady. After this, Yeats became very happy, serene and peaceful, which was reflected in his poetry. After this, the feelings of romanticism can be traced in the poem which were written after 1917. लेडी ग्रेगरी बिकेम हिज पेटन, ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा चुका भी, ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923।
उनको 1923 में नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर का। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको डिस्कस करने का मकसद यही है कि आपको पोएट के बारे में जानकारी हो जाए। 1923 ईस्वी में उनको नोबल प्राइज मिला था, उन्होंने उपनिषद का अध्ययन किया, किसके अंडर में, पुरोहित स्वामी के अंडर में, उनकी मैरिज किससे हुई थी, हाइडलेस से हुई थी, उनकी बिलम कौन थी, मैडम मॉन्टगॉन थी, उनका अपना जो है लेडी ग्रेगरी एक थी जो उनका पेटन थी, पेटन का मतलब कि उनका बहुत हेल्प की पैसे से और तमाम चीजों से, ये नाम दिया गया लेडी ग्रेगरी बिकेम हिज पेटन। बाकी उनकी मौत कब होती है, 28 जनवरी 1939 को, ये सारा चीज आप समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया था वो किस एज से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। ऑल दिस इज यू फाइंड। नाउ यू कम टू नो कि ईट्स इज नोन एज अ मॉडर्न पोएट, ही हैज नॉट एक्सप्रेस्ड द रैम्बलिंग्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी एज, हिज पोएट्री हैज बीन नोन फॉर इट्स फीचर्स ऑफ इवोल्यूशन, देयर इज नथिंग व्हिच शोज सडन चेंज, हिज आर्ट एंड जीनियस चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम, हिज अर्ली पोएम्स आर रोमांटिक एंड एस्केपिस्ट। उनकी जो अर्ली पोएम्स है वो रोमांटिक और एस्केपिस्ट है, जिसमें से लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री उसी का एग्जाम्पल है। हिज अर्ली पोएम्स कैन बी यूज्ड एज एन एक्सपोनेंट टू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ केल्टिक रिवाइवल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको सेल्टिक नहीं पढ़ना है, सी यहाँ पे का प्रोनाउंसिएशन करेगा, केल्टिक रिवाइवल। अगर कोई पूछता है केल्टिक रिवाइवल क्या है, तो जो केल्टिक रिवाइवल है वह आयरिश लिटरेरी रिनेशा, आयरिश लिटरेरी रिनेशा का मतलब आयरलैंड में जो रिनेशा आया या आयरलैंड में जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ उसको क्या कहा जाता है, उसको केल्टिक रिवाइवल कहा जाता है। द इमेजरी यूज इन सच पोएम्स इज वेग एंड सबड्यूड इन कलर एंड इजी स्टाइल, देर आर क्लॉटी मेटाफर्स विच सीम influenced by Spencer, Shelley, Keats, Tennyson and some other pre-romantic poets. His later poems are characterized by naked realism. There is brutality, coarseness, profundity of thought, simplicity of form and directness of expression. In most of his poems we find different levels and layer of myth. So he is known as a myth maker also. He has used parallelism with past and present as well as personal and impersonal. He used so many myths by inventing and some by changing the context. It's also known as a symbolic poet. अगर एक क्वेश्चन आता है कि उनको और किस नाम से जाना जाता है, सिम्बोलिस्ट पोएट के नाम से, जिन्होंने सिंबल का बहुत ज्यादा यूज किया है। He has used complex personal, individual and some public symbols to express his thought. Swan tar, winding stair. These things you find. ये बहुत ज्यादा वैसा इंपॉर्टेंट है। एक लाइन यहाँ पे, he was influenced by the Indian philosophy of life and spiritualism. Yeats experimented with different kinds of stanza and verse form. He freed the English lyric from the iambic meter. He made the octosyllabic couplet particularly his own. He handled the stress, pause and rhythm of long lines with great efficiency. Yeats was a conscious writer. He uses the words according to their sense and sound. तो जितना भी आपको अंडरलाइन किया गया, जो सर्किल में रखा गया, वही आपको जानना जरूरी है उनकी लाइफ को लेकर के, जो शख्सियत उनको प्रभावित की है, मैडम मॉन्टगॉन, लेडी ग्रेगरी जो उनका पेटन थी, और उनकी जो शादी हुई जिससे उसको लेकर के, और पुरोहित स्वामी, उपनिषद का अध्ययन, नोबल प्राइज 1923 में मिला, मॉडर्न एज के वो पोएट रहे हैं, उनको एस्केपिस्ट और लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। जो आपके यहाँ पोयम है सिलेबस में, वो जो पोयम है दैट इज दिस पोयम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, दिस पोयम इज इन सिलेबस। और इस पोयम को एक्सप्लेन अगेन सेकेंड कमिंग आ रहा है। आपको जो समझना है वो ये समझना है, ये चीजें जो है हियर यू हैव टू गो कि जो पोयम है वो कौन सी है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है। तो हियर यू फाइंड कि द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फाइनेस्ट लिरिक। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री क्या है, सोनेट है, लिरिक है, एलिजी है, तो क्या है, लिरिक है, लिरिक पोयम है। किसका है, डब्ल्यू बी येट्स का है। डब्ल्यू बी येट्स का फुल फॉर्म क्या है, विलियम बटलर येट्स। इट वॉज रिटन इन 1888, कब लिखा गया था, 1888 में, एंड पब्लिश इन अ मैगजीन इंटाइटल नेशनल ऑब्जर्वर।
और ये जो है पहली बार एक मैगजीन में आया था जिसका नाम है नेशनल ऑब्जर्वर इन 1890। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। सो यू फाइंड कि एक मैगजीन है, उस मैगजीन का नाम है नेशनल ऑब्जर्वर और वह मैगजीन 1890 में उस मैगजीन में पोएम पब्लिश हुआ था। द पोएम इज रिमार्केबल टू डिस्क्लोज द स्टाइल ऑफ केल्टिक रिवाइवल। यह जो पोयम है यह किसके लिए इंपॉर्टेंट है? केल्टिक रिवाइवल को डिस्क्लोज। मैंने आपको बताया था अगर कोई कभी भी पूछेगा केल्टिक रिवाइवल का क्या मतलब है, तो केल्टिक रिवाइवल का मतलब है आयरिश लिटरेरी रिनेशा, IRISH, आयरिश लिटरेरी LITERARY, लिटरेरी रिनेशा RENAISSANC। आयरलैंड में लिटरेचर को लेकर के जो डेवलपमेंट हुआ उसको आयरिश लिटरेरी रिनेशा कहा जाता है। तो लेक आइला फिनिस्फेरी क्या है? लेक आइला फिनिस्फेरी एक आपका लिरिक है। किसने लिखा? डब्ल्यू बी एट्स ने लिखा। कब लिखी गई? 1888 में लिखी गई। कब ये कहाँ पे पहली बार पब्लिश होती है? नेशनल ऑब्जर्वर में इन 1890 में। द पोयम इज रिमार्केबल टू डिस्क्लोज द स्टाइल ऑफ द केल्टिक रिवाइवल। यह पोयम किसके पॉइंट ऑफ से रिमार्केबल है? केल्टिक रिवाइवल। केल्टिक रिवाइवल क्या है? आयरिश लिटरेरी रिलेशन। इट क्रिएट अ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री दैट वाज आयरिश इन ओरिजिन इन द मैटर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन। यानी इसमें एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है जिसमें सारी बातें आयरलैंड को लेकर के वहाँ की इमोशंस फीलिंग्स को महत्व दिया गया। द वर्ड इनिस्फेरी ऑफ द टाइटल रिफर्स टू एन अनइनहैबिटेड आईलैंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनिस्फेरी का क्या मतलब है? इनिस्फेरी का मतलब है एक ऐसा आइलैंड जहां पर आदमी नहीं रहते। द वर्ड इनिस्फेरी ऑफ द टाइटल रिफर्स टू एन अनइनहैबिटेड इनहैबिटेड का अपोजिट अनइनहैबिटेड, जहां पे कोई निवास न करता, कोई आदमी ना रहता, कहां पे? आइलैंड। और यह आइलैंड कहां पे? लफ गिल, जहां पे वो उनका जो मैटरनल ग्रांड फादर थे, जहां पे वो अपना बचपना व्यतीत करते थे, आयरलैंड के लफ गिल में ये आइलैंड रहा है, तो वहां का है। इट वॉज अ प्लेस, यह वह जगह थी वेर ईट्स यूज स्पेंड हिज समर एज अ चाइल्ड, जहाँ पे ईट्स अपना जो है बचपन के समय अपनी गर्मी की छुट्टियां वहां पे बिताते थे। लेटर ईट्स डिस्क्राइब द इंस्पिरेशन फॉर द पोयम, बाद में ईट्स ने इसका उन्होंने इंस्पिरेशन डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने कहाँ से समझा। केम अ सडन मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड वाइल वॉकिंग डाउन फ्लीट स्ट्रीट इन लंडन। कह रहे कि जब वो एक बार जो है लंदन की गलियों में टहल रहे थे, और वो गली का क्या नाम था? फ्लीट स्ट्रीट। 1888 में एक बार वो लंदन की गली में टहल रहे थे, तो अचानक उनको उस जगह बचपने की याद आ गई जहाँ पे उन्होंने अपना समर डे व्यतीत किया था जब गर्मी की छुट्टी होती थी। वह कौन सी जगह रही है? लफ गिल में एक आईलैंड था जहाँ पे कोई आदमी रहता नहीं था। द पोयम एक्सप्रेसेस द स्पीकर लॉन्जिंग, करें जो पोयम है वह स्पीकर के सोच को बताता है कि वह फॉर द पीस, व शांति की तलाश में, एंड ट्रैंक्विलिटी, और ट्रैंक्विलिटी की तलाश में, मन की शांति की तलाश में, और इसके लिए वह कहाँ जाएगा? ऑफ इनिस्फेरी, इनिस्फेरी जाएगा वाइल रिसाइडिंग इन अर्बन सिटी, और शहरी जीवन रहते रहते, मतलब अभी वो कहाँ पे है? लंदन की गलियों में टहल रहे हैं, तो शहरी जीवन व्यतीत करते करते वो ऊब चुके हैं, और उससे जो है एक तरह से फुर्सत पाने के लिए वो कहाँ पे जाएंगे? वो जो है इनिस्फेरी नाम की जगह पे जाएंगे। ही विशेष टू एस्केप द हसल एंड बसल ऑफ सिटी, और वह जो हसल और बसल है शहर का उससे बचना चाहते हैं, एंड फाइंड पीस, और शांति की तलाश में है, विद द लेक वाटर लैपिंग, और खास करके उन्होंने कहा लेक वाटर, जो वहां की झील है उस झील से लैपिंग, उसकी गोद से एक तरह से लो साउंड आती है बाई द शो, शो माने किनारे पर। उन्होंने कहा कि जो है जो शहर है, और शहर के साथ साथ जो वहाँ की शांति है, वहाँ जो झील है उसकी झील से, झील का पानी जो है कल कल करता हुआ किनारे तक आता है, तो वो ये कहते हैं मैं ऐसे संगीत को, ऐसे म्यूजिक को सुनना चाहता हूँ, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जो शहर का म्यूजिक है, जो शहर का नॉइज है, जो शहर का पॉल्यूशन है, उससे वो दूर जा करके एकदम अकेले, और एक ऐसी जगह जहाँ पे मानव बस्ती नहीं है, जहाँ पे सब कुछ नेचुरल है, वैसी जिंदगी वो व्यतीत करना चाहते हैं। द पोयम आल्सो रिमाइंड्स अस
द नोशंस ऑफ द रिटर्न टू नेचर जो पोयम है, यह हमें बताता है कि उनका जो सोच है कि वह प्रकृति की दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, रिटर्न टू नेचर। ये वर्ड्सवर्थ का भी कॉन्सेप्ट है, रूसो का भी। ईट्स वॉज इंस्पायर्ड टू कम्पोज दिस पोयम, ईट्स से प्रभावित हुए थे कि वो इस पोयम को कम्पोज करना चाहते हैं, बाई अ सिचुएशन वेन ही नोटिस्ड अ फाउंटेन इन अ केमिस्ट शॉप इन लंडन। करें कि ईट्स के दिमाग में आया इस पोयम को तब कंपोज करने के लिए जब उन्होंने देखा कि एक लंदन में एक दवा विक्रेता है और उस दवा विक्रेता के दवा के मतलब दुकान के सामने एक फाउंटेन है, एक झरना है। उन्होंने कहा ये तो आर्टिफिशियल है, इससे खूबसूरत झरना जो इनिस्फ्री है जगह जहाँ पे जो कहाँ पर है आपका आयरलैंड के लफगिल के पास है जहाँ पे मैंने अपना बचपना बिताया, वो सब चीजें उनको याद आ जाती है। तब उसको लेकर के वो जो क्या करते हैं पोयम लिखते हैं, और पोयम में क्या कहते हैं एक्चुअली ही वॉज सिक ऑफ द बिजी लाइफ इन लंडन, कह रहे कि वो जो है लंडन की जो बिजी लाइफ थी उससे परेशान थे। आफ्टर हिज रिकॉग्निशन एज अ गुड पोएट विच कॉज्ड हिम टू सेटल इन लंडन, इन हिज इमेजिनेशन ही परसीव्ड द वेज ऑफ द लेक वाटर, और उनकी ख्वाहिश थी कि वह इनिस्फ्री जो नेचुरल प्लेस है, जो रोमांटिक प्लेस है, जो कंट्री साइड ब्यूटी जहाँ पे नजर आती है लंडन को या लंडन की गलियों को छोड़ करके वो वहाँ सेटल होना चाहते हैं, और कहते हैं मैं हमेशा के लिए वहां जाऊंगा। इन हिज इमेजिनेशन ही परसीव द वेव्स, और कल्पना वो करते हैं कि जो वहाँ की झील है, वहाँ की झील या वहाँ की लहरें जो है क्या होती है दिखाई पड़ती, कैसे वहाँ पे सब कुछ जो है हरा भरा है, शांति है, कोई शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, नॉइज नहीं है, उस जगह वो जाना चाहते हैं। ही शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन हिज प्रेजेंट सिचुएशन एंड द इमेजिनरी वन, वह दिखाते हैं क्या दिखाते हैं एक कंट्रास्ट, विरोधाभास दिखाते हैं। किसके बीच में विरोधाभास दिखाते हैं, जो आज का सिचुएशन है और जो इमेजिनरी जो कल्पनात्मक जगह है। ही रिजॉल्व टू गो टू इनिस्फ्री, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो इनिस्फ्री जाएंगे एंड हैव द पीस ऑफ माइंड, और उनके दिमाग में वहां उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है शांति की खोज में, शांति की तलाश में इनिस्फ्री जाएंगे। और इनिस्फ्री जो है ये क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आईलैंड है, जहाँ पे एक झील है, जहाँ पे उस झील का पानी कलकल करता हुआ दोनों किनारों पे आता है, जहाँ पे नेचुरल म्यूजिक है, जहाँ जो अनइनहैबिटेड है, जहाँ पे मानव बस्तियां नहीं है, जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ नॉइज नहीं है, जहाँ शोरगुल नहीं है, जहाँ शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी नहीं है, उस खूबसूरत जगह को या उस ब्यूटी को वो प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने इसलिए डिसाइड किया ही रिजॉल्व्स टू गो टू इनिस्फ्री एंड हैव द पीस ऑफ माइंड, और कहते हैं वहाँ पे मुझे शांति मिलेगी, मैं उस जगह जाऊँगा। Thereby making a house of clay, और वहां पर मैं एक घर बनाऊंगा, और यह घर किसका बनाऊंगा, क्ले का बनाऊंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या कहा, वो घर किसका बनाएंगे, क्ले का बनाएंगे। क्ले का मतलब होता है मिट्टी का, घास फूस का, उसका घर बनाएंगे, सब कुछ नेचुरल होगा। ऐसा नहीं कि वो महल में रहेंगे, वहां पे ऐसा नहीं कि AC लगा होगा, ऐसा नहीं कि वो बड़ा सा कोई बिल्डिंग होगी, ऐसा नहीं है। एंड नाइन रोज ऑफ बीन प्लांट्स, और सेम की वो नौ पंक्तियां लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो सेम की कितनी पंक्तियां लगाने की, बीन की नाइन रोज बताते हैं। ही वॉन्ट्स टू लिव एट अ प्लेस, वो ऐसी जगह रहना चाहते हैं वेयर नेचुरल सीन्स आर इन एबंडेंस, जहाँ पे नेचुरल सीन पर्याप्त मात्रा में मिले। द पोयम हैज सम विविड एंड कंक्रीट इमेजेस, करें पोयम में कुछ अच्छी इमेजेस का यूज किया गया, लाइक अ स्मॉल केबिन प्लास्टर्ड विद मड एंड नाइन बेड्स ऑफ बीन्स, देयर आर सम अब्स्ट्रैक्ट इमेजेस एज वेल एज ड्रॉपिंग ऑफ पीस, चर्पिंग ऑफ क्रिकेट, फ्लटरिंग साउंड ऑफ लिनेट्स, राइजिंग ऑफ द सन एंड लैपिंग ऑफ लेक वाटर। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द पोएम इज इट्स म्यूजिक एंड लिरिकल क्वालिटी, देयर इज इसमें लिरिक का यूज है और लिरिकल क्वालिटी है। There is natural rhythm in the poem. The meter of the poem is iambic. ये भी question पूछा जा सकता है कि जो meter हो कौन सा iambic। iambic में क्या होता है? पहला syllable unstressed होगा, बाद वाला stressed होगा। There is irregular number of feet. इसमें irregular number of feet है that creates sprung rhythm. और ऐसा लगता है कि जैसे इसमें sprung rhythm का use किया गया। The words are of unequal length. The first line of each stanza rhymes with the third line. एंड सेकंड लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन, जो इसमें जो है राइमिंग है वो किसका है, पहली लाइन थर्ड लाइन से राइम करती है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच स्टैंजा राइम विद द थर्ड, पहली वाली थर्ड से राइम करती है और सेकंड वाली फोर्थ से राइम करती है।
द पोयम हैज 12 लाइंस, जो पोयम है उसमें 12 लाइंस है व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टर्स। पोयम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरे पोयम में कितनी लाइनें हैं? 12 लाइनें। द पोयम हैज 12 लाइंस, जो पोयम है उसमें टोटल कितनी लाइनें हैं? 12 लाइंस है व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टर्स, जो कितने क्वार्टर्स में? 3 क्वार्टर्स में। इट इज फेमस फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, रोमांटिक इमेजेस, जेन्युइन इमोशंस, रिदमिक फ्लो ऑफ आइडियाज एंड स्वीट म्यूजिक। इट हैज ब्लेंड ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट इमेज। सो यू फाइंड दिस थिंग, कि ये सब का सब चीजें वहां पर नजर आती है, कि ये सब चीजें रही है। तो पोयम जो है लिरिक है, डब्ल्यू बी येट्स ने लिखा। 1865 उनका जन्म हुआ, 1939 में उनकी मौत होती है, 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। आयरिश पोएट थे, मैडम मॉर्गन उनकी विलंब थी, लेडी ग्रेगरी उनकी पेटन थी। जो लेक आइला फिनिस्फिरी है, ये एक लिरिक है जिसमें वो शांति की तलाश में लंदन का जो शहरी जिंदगी उसको छोड़ करके वो उस जगह जाना चाहते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पोयम का क्या मतलब है, कैसे है, क्यों उसको किया गया है। तो उसका एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैंने आपको बताया। अब मैं पूरी पोयम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पूरी पोयम 12 लाइनों में, 4, 4 और 4। इसमें देखिए, जो पहली पहली लाइन है, अगर आप इसको ए मानेंगे तो ये दूसरी वाली से राइम नहीं कर रहा, इसको बी मानना पड़ेगा। तीसरी इनिस्फ्री और बी साउंड में देखिए मिल रहा है, ए मानना पड़ेगा। और मेड और ग्लेड राइम कर रहा, तो ए बी इस तरह का राइम पैटर्न इसका चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे स्लो का राइम पैटर्न ग्लो से हो रहा है, इस तरह से करके यहाँ पे, और फिर सिंग्स का विंग से हो रहा, तो सी डी मानना पड़ेगा। ऐसे इधर ई एफ ई एफ। तो अगर आप देखिएगा कि जो पोयम है ये लिरिक है, चार लाइन की स्टैंजा को क्वार्टेट कहा जाता है। ये सारी बातें पहले ही बताई जा चुकी है। पोएट क्या कहता है, मैंने बताया द लेक, लेक का मतलब होता है झील, आई माने आईलैंड। किस जगह पर है? इनिस्फ्री नाम की जगह पर है। इनिस्फ्री जो यहाँ पे जिक्र है आयरलैंड में, उस जगह का जो आपका लफ गिल है, जहाँ पे उन्होंने अपना समर डेज व्यतीत किया है, वहां पे जो अनइनहैबिटेड है, जहाँ इंसानों की बस्ती नहीं है, जहाँ सब कुछ नेचुरल है, उस जगह को जाना चाहते हैं। क्यों? चूंकि वो जीवन में शांति चाहते हैं, वो जीवन में शांति की तलाश में है, शांति चाहते हैं। लंदन की जो शहर भागदौड़ भरी जिंदगी है उससे वो उब चुके हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, और वो जो है वहां का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका यहाँ पे यूज किया है। सो यू फाइंड कि वो कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा। उठने का मतलब कि द पोएट हैज डिसाइडेड, उसका फर्म डिटर्मिनेशन है, उसने प्रॉमिस कर लिया है कि वह अब इस जगह को छोड़ करके जाएगा। किस जगह को? लंदन वाली जो जिंदगी है, जो शहरी जिंदगी लंदन का है, उसको छोड़ करके। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं इस दुनिया को, मतलब लंदन की जो शहर, जो जिंदगी, जो शहर वाली जिंदगी है, उस जगह उसको छोड़ करके मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री जाऊंगा। एंड गो टू इनिस्फ्री, कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री जाऊंगा। पहली लाइन में इसका मतलब कि पोएट हैज रिजॉल्व, पोएट हैज डिसाइडेड कि ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन सिटी लाइफ, इन सिटी कल्चर या लाइफ ऑफ लंदन सिटी, उसका वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ही इज मच पैशनेट टू गेट द काम, ट्रैंक्विलिटी एंड ब्यूटी ऑफ इनिस्फ्री। देयरफॉर ही डिसाइड दैट ही विल लीव दिस प्लेस एंड बी द पार्ट ऑफ इनिस्फ्री। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा। फिर डायरेक्ट बताते कहाँ जाऊंगा, इनिस्फ्री जाऊंगा। और जाने के बाद क्या करूंगा? एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन, छोटा सा घर बनाऊंगा। और ये जो घर होगा किसका? हर आदमी जब कहीं जाएगा वहां रहेगा, उसका ठिकाना होना चाहिए, घर बनाएगा। लेकिन वो कहते जोड़ देते कि जो मेरा घर होगा वो किसका बना होगा? क्ले एंड वाटर्स मेड। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका जो घर होगा वो किसका होगा? क्ले और वाटर्स का होगा। क्ले और वाटर्स का क्या मतलब है? घास फूस का बना होगा, छप्पर जैसा होगा। तो वो घर किसका? छप्पर का बनाएंगे, मतलब सब कुछ नेचुरल होगा। बड़े महलों में नहीं रहेंगे, आयरन का नहीं यूज करेंगे, ब्रिक का यूज नहीं करेंगे, ग्रेनाइट का यूज नहीं करेंगे, पैलेस नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 9 बीड रोज विल आई हैव देयर, वहां पे मैं सेम की 9 पंक्तियां उगाऊंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोएट कितनी पंक्तियां उगाना चाहता है? 9 किसकी उगाना चाहता है? बीम की उगाना चाहता है।
अ हाइव फॉर द हनी बी, वहां पर क्या होगा, हाइव होगा, मधुमक्खी का घर होगा, उसका छत्ता होगा, हनी बी वहां से मुझे ये सब कुछ नेचुरल होगा, शहद की प्राप्ति होगी, मैं वहां पे 9 बीन रोज उगाऊंगा एंड लिव अलोन, और मैं वहां अकेले रहूंगा। पोएट किसी के साथ नहीं रहना चाहता, जो शहरी जिंदगी है उससे ऊब चुका है, कहता है कि मैं अकेले चुपचाप वहां पर रहना चाहता हूँ, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और किसके बीच में रहूंगा, जो वहां पे बी है, जो वहां पे मधुमक्खियां हैं, उन मधुमक्खियों की मधुर आवाज, उनकी जो खुशियां हैं, उनका हिस्सा मैं बन करके वहां रहूंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस, और जब मैं वहां रहूंगा तो मुझे कुछ शांति प्राप्त होगी देयर वहां पर। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, यह जो शांति आती है यह छन करके आएगी, ड्रॉप करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे शांति प्राप्त होगी, और यह जो शांति होगी, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यह जो शांति होगी यह ड्रॉप करता हुआ आएगा। ड्रॉप का मतलब यहाँ पे क्या है कि मॉर्निंग टाइम में वो मॉर्निंग की शांति की बात कर रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं होगा, जैसे ओस की बूंदे जब गिरती है तो एकदम एकदम क्या होती है, क्रिस्टल होती है, ऐसे ही वहां की शांति होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और जो मुझे शांति मिलेगी वह वैसी होगी जैसे सुबह कोई दुल्हन हो और उसका जो घूंघट उठाया जाए तो उसकी ब्यूटी नजर आती है, ऐसे ही सुबह के समय जो ओस की बूंदे हैं जो धरती पर पड़ी रहती है उनमें जो चमक होती है, जो उनमें प्योरिटी होती है, ऐसे ही शांति मुझे वहां पर मिलेगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और मुझे वहां पर कुछ क्रिकेट का आवाज सुनाई पड़ेगा, कुछ क्रिकेट होंगे जो वहां पे सिंगिंग का काम, क्रिकेट झिंगुर, तो वो ये नहीं कहते कि किसी म्यूजिशियन का होगा, कोई सिंगर होगा, फिल्म इंडस्ट्री का होगा, नो, जितना भी ये सब नेचुरल है क्रिकेट सिंग, दे आर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर, जो मध्य रात्रि होगी वो ग्लिमरिंग होगा, चमकदार होगी। दे आर मिड नाइट्स, जो वहां की मध्य रात्रि होगी वो भी चमकदार होगी, मध्य रात में भी वहां रोशनी नजर आएगी, मतलब चांद निकला होगा, तारे टिमटिमा रहे होंगे, इस तरह का उन्होंने किया। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहरिया होगी वह चमकदार होगी, मतलब जो नून होगा तो सूरज अपने उरूज पर होगा, सूरज सबाब पर होगा और उसकी लाइट बैगनी होगी इस तरह से। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और जो शाम होगी वह सतरंगी होगी, वह भी कलरफुल होगी। तो शाम की तुलना उन्होंने किससे की है, लिनेट विंग से की। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नून में उन्होंने क्या देखा, पर्पल ग्लो देखा है, मिडनाइट कैसी होगा, ग्लिमर होगा, कौन सा साउंड आता होगा, क्रिकेट का साउंड आता होगा, जो मॉर्निंग होगा वहां से पीस मिलेगा, उसकी तुलना उन्होंने एक वेल से किया हुआ है, और शाम की तुलना उन्होंने लिनेट विंग से किया हुआ है। दोनों स्टैंजा में चार चार लाइन है, उसका राइम स्कीम ए बी सी डी सी डी, दूसरे का क्या होगा सी डी सी डी, लास्ट वाला है उसका राइम पैटर्न ई एफ ई एफ, फिर वो कहते हैं उसी चीज को रिवाइज करते हैं। आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, मैं जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, संपूर्ण दिन और रात्रि के लिए मैं वहां जाऊंगा। पोएट ने कह लिया मैं शहर वाली जिंदगी को एकदम से छोड़ दूंगा, मैं वहां केवल पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं कि आई विल गो देयर ओनली फॉर अ डे और फॉर अ नाइट, नो, बल्कि वो कहता है कि आई विल अराइज, मैंने प्रण कर लिया कि मैं उठूंगा जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, संपूर्ण दिन और रात के लिए जाऊंगा। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, मैं सुनता हूँ कि कैसे जो है लेक वाटर लैपिंग, जो वहां का झील है, उन झीलों से क्या हो रही है, कैसे कलकल की आवाज आ रही है, वहां का पानी कैसे गिर रहा है। आई हियर लेक वाटर लैपिंग, वहां का जो झील है उन झीलों से जो है क्या हो रही है, आवाज आ रही, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, आहिस्ता आहिस्ता बाय द शो, शो माने समुद्र के किनारे। तो समुद्र का किनारे क्या मतलब, जो झील है उसके झील के किनारे जो उसका अपना पानी है वो जो है आकर के एक टकराता है, तो एक आवाज साउंड निकल रही है, तो ये म्यूजिक उनको मिल रहा है, क्रिकेट से उनको म्यूजिक मिल रहा है। बाकी शाम कैसी होगी, रात कैसी होगी, दोपहरिया कैसी होगी, मॉर्निंग कैसे होगा, मैं वहां क्या करूंगा, सेम की 9 पंक्तियां उगाऊंगा, एक घर बनाऊंगा, मधुमक्खियां होगी, शहद मुझे नसीब होगा, और उनकी मधुर आवाज के बीच में मैं वहां रहूंगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा एंड जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे,
हमेशा हमेशा के लिए आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाई द शोर वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड। अब वे अपनी प्रेजेंट टाइम का जिक्र कर रहे हैं, वाइल आई स्टैंड, जबकि आज मैं खड़ा हूँ ऑन द रोड में, सड़क के किनारे, ये रोड में शहरी जिंदगी का, जब आज मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ आर ऑन द पेमेंट्स ग्रे, या जब मैं फुटपाथ पर खड़ा हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, मैं जो है ये चीज सुनता हूँ, क्या चीज सुनता हूँ कि कैसे जो है वो आवाज आ रही है, आई हियर, मैं हूँ इंग्लैंड में, मैं हूँ इंग्लैंड की गलियों में, मैं इंग्लैंड की शहर भरी जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल और दिमाग इन फ्री में है, वहाँ के आईलैंड को है, वहाँ के जो लेक है उसका जो वाटर लैपिंग करता हुआ है उसको, उसकी याद आ रही। सो यू फाइंड कि एक ब्यूटीफुल लिरिक है, 12 लाइनें हैं, 12 लाइन में उन्होंने चार चार लाइन का 3 क्वार्टरेन है उसमें, और A B A B C D C D E F E F उसका राइट पैटर्न है, और फिर आप देखते हैं उन्होंने अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाया है। केवल 2 बातें बताई हुई है कि जहाँ पे अभी वर्तमान में रह रहे हैं, दैट इज सिटी लंदन सिटी, उस वहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसकी जगह वो कहाँ पर जाना चाहते हैं, इसकी जगह वो जो है एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो आप कह सकते हैं कि इनिस्फ्री, जो अनइनहैबिटेड है, जहाँ पे इंसानों की बस्ती नहीं है, जहाँ पे मीन्स नेचुरल प्लेस है, ही वांट्स टू गेट पीस, काम, ट्रैंक्विलिटी, ऑल दीस थिंग्स ही वांट्स टू गेट। सो आई हैव डन माई जॉब, एक बार मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, इसमें मुझे लगता है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि माइनर्स का एग्जाम का होगा क्या, माइनर वालों का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर, इस बारे में कोई कंफर्म नहीं है, आप दोनों सेमेस्टर का तैयारी करते रहिए, दोनों सेमेस्टर का आप पढ़ते रहिए, जो आएगा वो आपको पता चलेगा। सो हियर आई हैव डन जस्ट कंक्लूडिंग, किसी का कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना, जब्बा, अलबुशरा, मारिया, रुखसार, अफ्ता, इतना पहले मटेरियल डालने के बाद, इंफॉर्मेशन देने के बाद केवल 7 लोग जुड़े, बीच में एक दो लोग और जुड़े तो वो भी गायब हो गए। आई डोंट नो कि लोग व्हाई द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड द क्लास, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो बंद कर दिया जाए, क्या फायदा चला दे। 227 स्टूडेंट उसमें 6-7 आ रहे हैं, 227 तो रजिस्टर्ड है और तादाद पता नहीं कितनी। किसी को कुछ कहना है, ठीक है, नाउ कंक्लूडिंग।